दोस्तों YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में फिर से एक नया अपडेट आ गया है। YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी में फिर से एक रूल्स को चेंज कर दिया गया है और इस पॉलिसी से, इस रूल्स को चेंज होने से फ्रेंड्स अब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एक हफ्ते से ज़्यादा समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4000 घंटे का वॉच टाइम आपका कंप्लीट होने के बाद भी आपको एक हफ्ते का समय वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इससे को नुकसान होंगे कि नुकसान नहीं होंगे, क्या है यह अपडेट, चलिए आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पे। दोस्तों इस अपडेट को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो यूट्यूब ने यह अपडेट किया, जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी में रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया है, यह चेंज तो फ्रेंड्स YouTube ने अभी तक अपडेट को या अनाउंसमेंट नहीं किया है ऑफिशियली रूप से, लेकिन फ्रेंड्स कुछ दिन पहले इसने अपडेट में बताया था कि आने वाले टाइम पे यानी फ्यूचर्स में वह इस अपडेट को लागू कर देगा। तो फाइनली अब YouTube ने इस अपडेट को लागू भी कर दिया है, लोगों को सिर्फ समझने की देर है, लोग समझ नहीं पा रहे कि यह अपडेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स अपडेट यह है कि जैसे पहले कुछ दिन पहले YouTube ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जैसे कि मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं, आपके वीडियो को लोग देखते हैं और आपको अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे की जरूरत पड़ती है, तो जो 4000 घंटे चाहिए होता है तो आपके वीडियो को जो भी लोग वाच करते थे वह आपके 1 से 2 दिन के अंदर यानी 1 से 2 दिन के बाद आपके मोनेटाइजेशन वाले पेज पे जो 4000 घंटे का वाच टाइम चाहिए, जहां पे दिखता था मीटर कितना आपने वाच टाइम कंप्लीट किया है, वहां पे अपडेट हो जाता था। तो वहां पे फ्रेंड्स अब अपडेट नहीं होगा। YouTube ने यह अनाउंसमेंट बहुत दिन पहले किया था कि आने वाले टाइम पे यह जो वॉच टाइम है आपका एक हफ्ता से लेकर के यानी 7 दिन से लेकर के 10 दिन के बीच में हम लोग अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए आपका वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 5-10 घंटे बाकी हैं, और जैसे फ्रेंड्स आपका वॉच टाइम कंप्लीट होता है आप जाके YT स्टूडियो एप्लीकेशन में या YT स्टूडियो में जाके चेक करते हैं तो आपको वहाँ पे दिखाता है कि आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम लाइफ टाइम में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मोनेटाइजेशन पेज में जाएंगे तो फ्रेंड्स वहां पे हो सकता है कि आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को ना मिले और वहां पे आपका वॉच टाइम कम ही दिखाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे YouTube ने एक अपडेट कर दिया है कि जो भी वीडियो से आपको वॉच टाइम मिलेगा वह वॉच टाइम अब आपको 1 से 2 दिन के अंदर तुरंत अपडेट नहीं होगा, उसको अपडेट करने के लिए वह 1 हफ्ते का समय लेगा, यानी 7 से 10 दिन के बाद आपके वॉच टाइम में यानी मोनेटाइजेशन वॉच टाइम पेज पर हुआ अपडेट करेगा। यानी फ्रेंड्स आपने मान लीजिए 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है, 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिया है और आप सोच रहे अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करूं, लेकिन अप्लाई वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे हो सकता है अप्लाई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, वह वहां पे आपका वॉच टाइम कम ही दिखाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे आपका वॉच टाइम अपडेट होने में 7 से 10 दिन का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फ्रेंड्स इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, थोड़ा सा हो सकता है आप सैड हो सकते हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद भी आपको मोनेटाइजेशन पेज में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कंप्लीट शो नहीं होगा। तो यही था दोस्तों अपडेट, और इस अपडेट से फ्रेंड्स आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स 7 से 10 दिन का अब आपको और भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद। जब आपका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन पेज में कंप्लीट हो जाएगा, 4000 घंटे शो हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स वहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन अब आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि यह अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ये चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरीके की नॉलेज यहाँ पे, यूट्यूब की टिप्स यहाँ पे आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे देखने को मिलेगी।